लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बच्चों टाइम हो गया, अब घर जाओ। ओके सर। कनमणि, परीक्षा के दिन भी ये कर रही हो, अभी घर जाओ। एक मिनट सर। ये पौधा खराब हो गया है, इसे निकाल कर नया पौधा लगा लो। स्वस्थ पौधा खुद अपना ख्याल रखता है सर, पर इस पौधे में तो पोषण की कमी है सर, एक दिन इसमें जरूर फूल आएगा। बाहर जाके च्युइंगम थूक के आओ। टीचर छोड़िए ना टीचर। एक्सक्यूज मी मिस। क्या हुआ सर? सर। कनमणि, सारे सवालों का जवाब लिख लिया? सब लिख दिया सर, मुझे कुछ जरूरी काम है। टीचर प्लीज पहले आप इसे पढ़िए। ये चीटिंग है। मेरी बात समझने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई मेरे से आर्ग्यू करने की? उठो। अरे प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा। लेकिन मैडम क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे? सर ये चीटिंग कर रहे हैं सर। चीटिंग? सर आपको क्या लगता है कि अगर मैं चीटिंग करता तो 16 बार फेल हो सकता था क्या? बहुत अर्जेंट है, प्लीज एक बार यहाँ आ जा। अरे बाप रे। तुम लोग जरा भी नहीं बदले। तीन दिन के लिए सब्जियां हैं, ये संभाल के इस्तेमाल करना। चलो भाई चलो, संभाल के ले चलो। आराम से, आराम से, देखना गिरे नहीं। संभाल कर भाई, संभाल कर। क्या तुम कुट्टी गैंग से हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सिमिलर केस है। अगर किसी को पता चल गया कि हथियार यहाँ लाए गए हैं तो गला काट दूंगा तुम्हारा। जाओ। भाई हाँ? आज मैं छूटने वाला हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। कुछ और लोगों को बताना है मुझे। हाँ। फिर मिलता हूँ। कौन हूँ भाई? आज मैं छूटने वाला हूँ। रणी शाह वो लोग हथियार के साथ आ गए, चलो भागो यहाँ से, भागो। चलो भागो भागो भागो। कुट्टी और लंबी दोनों गैंग के बीच लड़ाई चल रही है, वो लोग यहाँ हथियार लेके आए, भागने का यही सही मौका है। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। उसे जाने दो, वो मेरा आदमी नहीं है, बेचारा दोस्ती निभाने आ गया था। करना जाओ, ये सब यहाँ पुरानी प्रॉब्लम है, सुलझाने आए हैं, मेरे साथ बात करने। मैं संभालूंगा, तुम 3 साल के बाद जेल से रिलीज हो रहे हो, जाओ और अपनी बच्ची से मिलो। Yeah!
तुम कौन हो? भाड़े के आदमी हो? तुमने मेरी जान बचाई है, ये बताओ तुम मेरे साथ काम करोगे? रास्ते से आ जाओ, चलो चलो। अरे वाह, देख रहे हो हमारा बैनर किस तरह से चमक रहा है। अरे सुनो, जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें रजिस्टर कराना है। तो तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? अरे उन्होंने ये कहा कि बिना कैप्टन के रजिस्टर नहीं होगा ना, इसीलिए। सेशन हो गया है और जो डरपोक लोग हैं वो अभी के अभी घर पे चले जाएं। ए, किसे डरपोक बोला तुमने? ऑफ कोर्स तुमको। ए, क्या कर लोगे? मैं बात करता हूँ। शक्ति, हमसे उलझने की कोशिश मत करो। तो फिर स्टार्ट किसने किया? हमें खेलने से रोकने से अच्छा हमारे साथ खेल के मैदान में लड़ो ना। इन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते शक्ति, पिछले 8 सालों से एक बार भी हमें हरा नहीं पाए। अब ऐसे में जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। उंगली उठाएगा तो काट के रख दूंगा। क्या मुत्तो, दीदी का बेटा है तो सिर्फ तेरी चलेगी क्या? शक्ति, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। 8 साल से हारने के बाद भी हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और हमें विश्वास है कि एक दिन हम जरूर जीतेंगे। पागल, पागल है क्या? इससे अच्छा तो मेरा गला ही काट देता, शांति से मर जाता मैं, बेवकूफ कहीं का। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मुनियन मर गया, दुराई आईसीयू में है, शाम को पता चलेगा वो बचेगा या नहीं। लोकल पुलिस को कुछ पता नहीं था, किसी बड़े कनेक्शन वालों का काम है ये सब। दुराई की आंख खुलने से पहले वो पुलिस वाले मेरे सामने होने चाहिए। वो हमारे इलाके में घुस तो आए लेकिन अब गांव की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। Let's go. दुराई अंकल को गोली लगी है। hey! माँ, अभी अराई को नहीं बताएंगे, उम्मीद है कि शाम तक अंकल ठीक हो जाएंगे, फिर इन सबसे निपटेंगे।
हाँ रमेश, दुरई अंकल अभी खतरे से बाहर हैं। सुनो हाँ हाँ पक्का, एक मिनट आना। हाँ बता आता हूँ। गोली इनके सीने पे लगी है, पर भगवान की कृपा से ये बच गए। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पुलिस वालों ने असली रूप दिखा ही दिया। भरोसा रखे दीदी, आप तो मुझे सालों से जानती हैं। पिछले 25 सालों से जानती हूं। मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को नहीं छोड़ सकती। अगला एनकाउंटर क्या मेरा करोगे तुम? जाओ करो। दीदी समझने की कोशिश कीजिए, इसमें एसीपी की बेटी इन्वॉल्व है। वो मदुरई में अपने कॉलेज टूर के लिए आई थी, तभी दुराई के बेटे आरायु ने उसके साथ बदतमीजी की। हमने दुराई सर को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, पर उन्होंने हमारी नहीं सुनी। पुलिस कोर्ट जहां भी ये केस था इंटरप्ट किया, मधी के राइट हैंड होने की धमकी दी और ये भी कहा कि मदुरई में सिर्फ उनकी ही चलती है। दुराई के जीते जी उनके बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। महारायु ने जो किया वह गलत है, ये बिन माँ का बच्चा है। पापा भी इससे ढंग से बात नहीं करते, यहाँ हमारे अलावा इसका कौन है? आगे मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो। इस पर कोई केस नहीं होने देना प्लीज माँ। माँ इसे यहाँ से ले जाओ, इसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। रमेश मुझे दुरई के साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना, आज के बाद उसका यहाँ कुछ नहीं है। चुपचाप घर पर बैठने बोलो। दीदी आरायु तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। कोई चॉइस नहीं थी। ए, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। चुपचाप चलो। अरे प्लीज यार। ए, या भी नहीं। ए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पापा को कठपुतली बनाना चाहते हो। ए, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? सुनो यार, अगर तुम यहां रहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। चलो यार। पिछले 8 सालों से मुथु की टीम शक्ति की टीम से हार रही है, देखते हैं इस बार उन्हें ट्रॉफी मिलेगी या नहीं। Last ride!
ए, रोक सर, ये कितनी बार खेलेगा सर? ए, क्या प्रॉब्लम है, खेलना तू। ए, हटो सर, ऐसा कैसे हो सकता है, बार बार यही खेलने आ रहा। तुम आओ, ये नहीं चलेगा। रूल सिखाएगा क्या? ए, सुन, इस राउंड में जाके किसी भी हाल में वापस आ, तभी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तुझे अच्छे से पता है मुझे हारना पसंद नहीं भाई। ये इजी टारगेट है, इसे आउट कर दो, हम गेम जीत जाएंगे। उनके पास बहुत पैसा है, पावर है, लेकिन यह हमारा होम ग्राउंड है। हमें जीतना ही होगा, जीतना ही होगा, जीतना पड़ेगा। ओवर टाइम हो गया है, अब वापस आ जा। क्या किया तुमने यार? तेरी गलती के कारण हम हार गए। जाने दे यार, चलो घर चलते हैं। हे, क्या यार, चलना। आपके पति का नाम? ये बोल नहीं सकती। पापा? तुम लोगों को छोड़कर अब नहीं जाऊंगा, कोई गलती मैं अब नहीं करूंगा। मैं आपके लिए रोज लाई थी, मुझे पता था आप सुबह आ जाओगे। ओहो, मुरझा गया क्या? कितनी बार तो बोला उसे, कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग, कभी बात। अरे शांत बैठो ना, उसको उठा के बोल रहा हूं ना। वो लोग हाई क्लास से हैं, उनसे दूरी बनाए रखना हमारे लिए अच्छा होगा। ए, हाई क्लास माय फुट, वो तुझ पे हाथ क्यों उठाया? अरे छोड़ ना यार, आर्यू के पापा को आज ही पुलिस वालों ने गोली मारी है, वो मरते मरते बचे, मेरे लिए इस बात को भूल जाना यार। वो सारी फैमिली जोस ने और गांधी माथी ने बर्बाद कर दी उसके बारे में सोच, ऊपर से अपने बच्चों को भी वैसा ही बड़ा किया। लेकिन यार इसमें दीदी, कलाई तुम पागल हो गई हो क्या? उन सबने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। चटनी ले। सब लोग अच्छे से खाओ। दीदी एक डोसा मेरे लिए लेकर आना। अच्छा उसमें से वो क्या हुआ जो तुमने टूर्नामेंट से जीते, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया? शेख की बहन की शादी है अगले महीने में, उसके लिए वो पैसा अलग से रखा हुआ है। क्या गुस्सा कर रही है, वो पूरे दिन होटल में 300 डोसा बनाती है, कितने सालों से सिर्फ खाना ही बना रही है। ए कड़ाई,
क्या हुआ? चूड़ीदार पहनने के लिए कितनी बार मना किया था मैंने? चुप कर। उनपे तो अच्छा लग रहा है। ए, पॉलिस्टर है यार, हमेशा स्टोर के पास खड़ी रहती है, इसलिए डर लगता है मुझे। अरे मेरे भाई, अच्छे लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। इस शहर के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब यहाँ पर हैं। मेरे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आज दुराई पर एनकाउंटर ऑपरेशन हुआ है। नंबी राजन के लोगों ने जेल में कुट्टी नाटेसन के लोगों को मार दिया है। हमारे लोगों ने भी जान गंवाई है। ए, तुमने मेरे भाई को मार दिया और अब तुम बहाने बना रहे हो। हम हथियार और खून खराबे को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बेवजह हम अपनी लाइन को क्रॉस भी नहीं कर सकते। आपस में ही दुश्मनी रखने से हम में से किसी को फायदा नहीं होगा। आप में से कई मेरे खिलाफ भी हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगी। सिस्टर, मैं जा रहा हूं। ए, रुको रुको, तुम्हें पता है ना मैं ये सब नहीं मानता। ए शक्ति, हा? तुम कह रहे थे ना कि हॉस्पिटल में दादी को बहुत खांसी हो रही थी। ये लो, ये उन्हें दे देना, इससे खांसी कम हो जाएगी। तुम तो दादी से मिले भी नहीं हो, फिर भी हमारा परिवार कहने के लिए हमारे साथ कोई नहीं, तो क्यों ना हम जिनसे मिलते हैं उन्हें ही अपना परिवार मान ले। ये लो। चलता हूँ। पेरुमल भाई, कैसे हो आप? अच्छा है। चलो मिलते हैं। भाई गुड मॉर्निंग। अरे रिप्लाई में मुझे भी गुड मॉर्निंग बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? अरे कितना झूठ बोलूं मैं, कहा था ना छुट्टी लेने से नौकरी पे असर आएगा। हाँ, करेक्ट। तुम्हारी वजह से कल मुझे डांट पड़ी। क्या बात है डॉक्टर? शक्ति आज काम पे आया है, मैं उसे आपके पास लेकर आया हूँ सर। साइलेंस। तुम बोलो। डॉक्टर साहब, पता नहीं कल रात से मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। इधर आओ, इसका टेम्परेचर देखो। सारे मेडिसिन इसमें। भैया, डॉक्टर ने डांटा तो बुरा मत मानना। दवाई टाइम पे खाती रहना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये बात मेरे पापा से कहिए, वो बहुत टेंशन लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कनमनी। और आपका? शक्ति। अरे क्या हुआ भाई? सर आप यहां पर क्या कर रहे हो? एग्जाम में फेल हो गया। हाँ। तो एक बच्चे ने जहर पी लिया, आओ मेरे साथ। दास भाई। हे भगवान, क्या हो गया इसे? सीरियस तो नहीं है भाई? इसे साबुन पानी तो नहीं पिलाया ना? इसकी हालत बहुत खराब है। थोड़ा शांत हो जाओ, किसी को मुश्किल में देखकर तुम्हारी हीरोगिरी जग जाती है। भाई किसी की जान खतरे में है, तो क्या हमको इसे बचाना नहीं चाहिए क्या? इसने नेल पॉलिश को जहर समझ के पी लिया है, ये अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ा टेंशन बिल्डअप करते हैं, तभी हम लोगों को पैसे मिलेंगे। समझ गया? थोड़ा सा तो तरस खाओ ना, मैं उनको जाके अगर 5 मिनट भी लेट होता ना तो बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल होता, पर मैंने अपनी एफर्ट से उसको बचा लिया। शक्ति मेरा बच्चा। सर, नेता शक्ति भी कितनी बार मैथ्स में फेल हुआ है। सर अगर ये फेल होने से जहर पी लेता ना तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। तारीफ मत कीजिए सर, ये बेचारी पहले से ही शॉक में है। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को कुछ हो जाता तो कोर्ट का चक्कर हो जाता और तुम्हारी जॉब चली जाती। बेटा सर, बच्चों की भलाई के लिए पनिशमेंट देती हूँ, इसमें गलत क्या है? बच्चों को कोई स्ट्रिक्ट इंसान चाहिए सर। हे, इतना लेट क्यों? थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, एक नया पेशेंट आया है, जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करो।
पिछले 15 दिनों से उसे बहुत बुखार है, पता नहीं क्या हुआ है। इसे दूसरे हॉस्पिटल भी लेकर गया था, फिर भी ठीक नहीं हो रही। पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी। शक्ति भैया, आप समझाओ ना। अरे आप ऐसे रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटी का नाम कनमनी और आपका नाम? करुणा कर। क्या काम करते हैं आप? अभी काम ढूंढ रहा हूं। मैं समझा नहीं, क्या? मैं कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा हूं। ठीक है। हाँ बोल, क्या हुआ? एक बार यहां आना यार। अरे यार, आधे से ज्यादा तो यहाँ हमारे बैनर हैं। भाई के फैन होने की वजह से फर्स्ट शो के टिकट लेने पड़ेंगे। हेलो, हेलो, कौन? विनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। ठीक है, विनीता का फोन था। क्या बात है यार, शाम को स्कूल में मिलने के लिए बुलाया उसने। कुछ बात करनी है उसे, पता नहीं क्या बोलेगी। माँ? हाँ ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। सुनो यार, तुम लोग पिक्चर देखो, माँ ने मुझे अर्जेंट बुलाया है, मैं चलता हूँ। ठीक है। ए तामले, चल रहे यार, चलते। कैसा है शेख? भाई ठीक है ना? हाँ। ये अच्छा, क्या है बे? अरे लगता है तुम लोग भाई के फैन हो। हाँ सही कहा। हट भाई, एंजॉय कर। अरे मूवी एंजॉय कर। अरे छोड़ ना भाई। यार तू उनसे इतना डरता क्यों है बे? तू नहीं समझेगा, चल ना चलते हैं यहाँ से। ए, उस दिन जब उसने तुझे थप्पड़ मारा था तो भी सिर्फ मुझे ही गुस्सा आया। दरअसल वो डर नहीं था यार, बात कुछ और है। वो सीट की भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरे पापा 15 साल तक आर्यू के पापा के प्रेस में काम करते थे, इसलिए जब उस दिन हम उसके खिलाफ जीते तो उसका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए उसने थप्पड़ मारा। जा रहा है।
शक्ति मेरे भाई, रुक जा रुक जा। भाई चल यहां से। शक्ति हेलो शिवम, इन्हें यहां से ले जाओ और कोर्ट की फॉर्मेलिटी समझा दो। ठीक है सर। सर तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, अपनी जान बचा के घर जाओ, समझे? फ्रेंड को किसी ने मारा तो गुस्सा आ गया ना, मुझे भी ऐसे ही आया था। दोस्ती हमें अंधा बना देती है। अराइयों ने अगर कुछ गलत किया है तो हमारा कोई भी आदमी उसे हाथ नहीं लगाएगा। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, जो भी रेपुटेशन मदी के सामने थी वो सब बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। बदमाशी बंद कर दो और घर में रहा करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आराम से। मरते मरते बचाए वो लड़का। आ रही हूं। विनीता, तुमने कहा था ना कि मुझसे कुछ बात करनी है। कुछ नहीं, मुझे पता है तुम्हें क्या बोलना था, मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। नहीं विनीता, नहीं प्लीज। पापा की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है, मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल उनके ही जैसे हो। ड्रग्स प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार लगाए गए आरोप के आधार पर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने तक कोर्ट 15 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजती है। ऐसा ही होता है अमीरों के साथ झगड़ा करने पे, कम से कम 10 साल की जेल होगी उसे। अगर तू भी उसकी मदद करेगा तो इस घर में कदम मत रखना। घर में गांजा रखने के आरोप में शक्ति नाम के आदमी को मदुरई के सिमाकल से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
मैंने कुछ भी नहीं किया सर। भाई इस केस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। अरे शक्ति, ए शांति से बात करो। मेरे लिए टेंशन मत लो कलाई, प्लीज ऐसे रो मत, जाओ घर जाओ। मैं आपको आइडिया दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। सोए क्यों नहीं माँ? क्या आप मुझे एडवाइस दे सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत? तुम उसे छुड़ाने जा रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, खुद फैसला लेने लगे, ये देखकर खुश हूं। पर मां के अप्रूवल से ही। 25 सालों से पूरा शहर मुझे सिर्फ दीदी बुलाता आया है। मेरे पास सिर्फ तू ही है जो मुझे मां कहकर बुलाता है। थैंक यू सो मच। तुम कल ही छूट जाओगे, फिर ना तुम आरायु के पास जाना और ना वो तुम्हारे पास आएगा। और हां, इसके बारे में किसी को मत बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं। और तुम मुझे पहले जैसा दुश्मन ही समझना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। जेल गए थे इसलिए क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है? मेरे पापा भी जेल गए थे ना, इसलिए मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। लगता है वो बहुत जुगाड़ करके छूटा है। सुना है कि बहुत पैसे भी खर्च किए हैं उसने। यार वो तेरा दुश्मन बनने के लायक ही नहीं है, उसे दुश्मन मानना मेरी बेइज्जती होगी। एक बात बताओ, जेल से छूटने के बाद उसे बहुत शर्म आ रही होगी। गांजा स्मगलिंग की वजह से वो जेल गया था, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाएंगे। रॉकेट सोमो के बारे में तुमने सुना ही होगा, कंट्री बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। एक बड़े नेता को मारने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। वो आरोप मुझे लेने के लिए कहा गया। उन लोगों ने कहा कि मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। जब मैं जेल में गया तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वहां से मुझे निकालने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए मेरा परिवार यहां वहां भटक रहा था। बेचारी मेरी बीवी तो बोल भी नहीं पाती, फिर भी वो लोगों के पैरों में गिरी। मुझे कोई काम चाहिए भाई, तभी मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं। बॉस, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर सकता। कल मैं अपने लिए शर्ट खरीद रहा था तो मुझे लगा आपको भी एक गिफ्ट करना चाहिए। यह मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अपने पापा को मत बताना, पुन्नुसामी गैंग मेंबर है, हम जैसा ही है।
भाड़े के लोगों से हमारा काम करवा देगा। काफी बड़े हो गए तुम। मुझे सारी डिटेल्स दो। हेलो, मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो यार। अरे हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स। बहुत बढ़िया। तो क्या प्लान है? अभी मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट, पर क्यों? क्योंकि मैं आज विनीता से मिलने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि हिम्मत करके आज उसे प्रपोज कर ही दूँ। किस कलर की शर्ट पहनी है तुमने? वाइट कलर है। वो जो रेड कलर की शर्ट हम दोनों के लिए लाए थे वही पहन लो, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट यार। कुछ दिनों से मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल में भी सब लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। थैंक्स। कन्मनी भी तुमको बहुत पसंद करती है, उसने बताने के लिए बोला। कुछ साल पहले मेरे पापा मदुरई में बहुत फेमस थे। डर के मारे लोग इज्जत करते थे। मेरी माँ मेरी दुनिया थी, मेरी जिंदगी थी। पर उन्हें ही मेरे पापा के पापों की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। हमारी आंखों के सामने ही माँ के छोटे छोटे टुकड़े करके मार दिया। जब तुम जेल गए तो मैं डर गई थी। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ विनीता। वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। माँ, ठीक है मैं आ रहा हूं। क्यों दिया?
तुम वो आदमी नहीं हो। हेलो शक्ति, मैं उनका टारगेट था। सेम कलर की शर्ट होने की वजह से उन्होंने तुम पर अटैक किया। आप सुनो यार, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उनसे निपट लूंगा। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो फालतू में टेंशन लेगी। किसी को मत बताना प्लीज। तो तुम ही हो जो उसे इतने दिनों से बचा रहे हो। मार डालूंगा तुम्हें। मैं दुराई अंकल और अपनी मां को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू ये सब कर रहा है। हे, चल जा। अगर तूने उसकी बाइक खराब कर दी होती तो हम उसे आसानी से मार डालते। हमारा मेन टारगेट अब शक्ति नहीं, मुथु है। वो दूधी का बेटा है राइयो। तो हमें दीदी और मुथु दोनों को खत्म करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? वो दीदी का बेटा, बात समझो। क्या तुमने उसके साथ 10 साल तक काम नहीं किया? मेरे पापा 25 साल तक उसके वफादार थे, लेकिन क्या हुआ? उन्हें लात मार कर निकाल दिया। मेरे पापा ही बेवकूफ हैं, लेकिन वो पागल मुथु अब मेरे साथ भी मेरे पापा की तरह ही करना चाहता है। मैं करूंगा, मुझे 1 करोड़ चाहिए। शक्ति को भी खत्म करना है। उसकी टेंशन मत लो, मैं फ्री में कर दूंगा। सुबह से 7 बार उल्टी कर चुकी हैं, अभी भी वो बेहोश हैं। पल्स रेट भी बहुत कम है। एक्चुअली क्या बीमारी है अभी पता नहीं चला। सर! अरे, अरे क्या हुआ था, कुछ बताइएगा। कोई दिक्कत है क्या? उसने कुछ किया क्या आपके साथ? मैं ये नहीं कर सकता। 1 मिनट रुको। उस कार वाले ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि वो अमीर है, तुम गरीब हो। उसके अमीरी का घमंड है। यहां सही गलत कुछ नहीं है, पैसा बोलता है। तुम मेरी मदद करो, 10 लाख रुपए दूंगा। 1 दिन का टाइम देता हूं, सोच लो। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। मुझे एक वादा करोगे क्या? क्या बेटा? चाहे हमें कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन आप कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। दास, अरे वो बच्ची खून की उल्टी कर रही है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम कुछ टेस्ट वगैरह कर सकते हैं? चीफ डॉक्टर 3 दिन बाद आएंगे, हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा इंतजार करो। मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं ना। जो टेस्ट इन्होंने बोला वो तो प्लीज कीजिए। अगर इमरजेंसी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, पैसे डालोगे तो सब हो जाएगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शक्ति, मैं चेन्नई जा रहा हूं, 2 दिन में पैसे लेकर आऊंगा। हमें किसी भी तरह से बचा नहीं होगा शक्ति।
गांधी मदी के करीब जाना मुश्किल है, बॉम्ब से उड़ाना ही सही होगा। सीनियर डॉक्टर की परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका ब्लड सैंपल लेकर मैं कॉलेज जाकर टेस्ट करूंगी। वहां और भी एडवांस टेस्ट्स करने होंगे। ये हमारी जगह है, यहाँ रह सकते हैं। लॉज में रहना रिस्क होगा। 5 तारीख को वहां मेला लगने वाला है, मुत्तू और गांधी मदी वहां आने वाले हैं, हम उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। वहां बहुत भीड़ होगी। या तो हम उन्हें भीड़ में मार सकते हैं, या फिर किसी सुनसान जगह पे। गांधी मदी का अकेले मिल पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतने टेस्ट कर लिए पर बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर का कहना है कि कैंसर हो सकता है। बदमाश लड़के, डॉक्टर ने बोला है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे तो पता ही है, शक्ति मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझे कुछ नहीं होने देगा, है ना? साथ में खत्म करना पड़ेगा, अगर एक भी मिस हो गया तो दूसरे को अलर्ट कर देगा। हमारे आदमी इस भीड़ में ही है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप मुझे भूल गई क्या? अरे बिल्कुल याद हो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं अब? 2 बेटियां हैं ना? सब अच्छे हैं, यही है वो दोनों। नमस्ते, नमस्ते। में एक नया सिम कार्ड है। हेलो, हेलो शक्ति, मेरी बेटी कैसी है? भाई वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये बताओ चेन्नई से वापस कब आ रहे हो? सभी महिलाओं से विनम्र निवेदन है कि वो अपने जेवरों पे अच्छे से ध्यान दें, नहीं तो यहाँ पर चोरी हो सकती है। और अपने अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें क्योंकि वो भीड़ में गायब हो सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग रेडी रहो, सिर्फ 1 मिनट बचा है। ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति। डरो मत, ये शगुन है। सुनो, मेरी बहन कनमणि की तबीयत के लिए आग के ऊपर चलने की विधि कर रही है। बॉम्ब जलाओ। हमारी रक्षा करना माँ।
Hey. बॉम्ब नहीं फटा सेतु। तेरे से कुछ बात करनी है। कबड्डी खेलने का मेरा मूड नहीं है। ए, तू मेरे से नाराज है इसीलिए नहीं खेलना चाहता है, सही कहा ना? उस दिन टेंशन में थप्पड़ मार दिया था यार, गलती हो गई, प्लीज उसके लिए माफ कर दे यार, सॉरी यार। सुन यार, ये सब कुछ कबड्डी मैच से शुरू हुआ था ना, एक नया टूर्नामेंट शनिवार को है, हम लोग इस बार खेलेंगे और जीतेंगे। तो जानबूझकर मैच हारा ना? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता था। मैंने सोचा था कि तुम ये मैच जीतकर अपने दोस्त की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, फिर मैं अराई को समझा पाऊं कि शक्ति कितना अच्छा प्लेयर है, और यही कारण है कि हम लोग आज तक उसे कभी हरा नहीं पाए। पर पता नहीं क्यों वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता, और ये बात मुझे परेशान कर रही है। डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, वैसे वो अच्छा लड़का है, मैं ही उसके लिए उसकी दुनिया हूं। वो तो मुझे पता है। अच्छा, अब कनमनी कैसी है? शक्ति, विनीता को फोन करो। हाँ नीला, मुझे पता है ये कैंसर नहीं है, उन्हें बोलो कनमनी के वायरल इन्फेक्शन टेस्ट करने के लिए। हाँ मुझे पता है, इससे पता चल जाएगा कि उसको क्या हुआ है। अरायु की माँ को भी ऐसे ही बुखार होता था, टेंशन की बात नहीं है, मेरी बात मानो, हम उसे बचा लेंगे, ठीक है? हाँ दो दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम घर आना और मेरी माँ से मिलना। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? माँ को हर खुशी मिलनी चाहिए, उनकी जिंदगी बस जिम्मेदारी और दुश्मनों से भरी है, उनके सर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। नहीं शक्ति, तुम जाओ। दोनों को खत्म कर दो। शक्ति चलो। पेट्रोल का पाइप कटा हुआ है। चलो 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 चलो। त्योहार के बीच में ही ऐसे पावर कट होना अजीब लग रहा है, जरूर कुछ गलत होने वाला है।
इसलिए सोचा रामनाडू वाली पुश्तैनी हवेली घूम कर आऊं। टेंशन मत लीजिए, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। तो देखा है मैंने तुम्हें। Oh.
मुत्तु, तुम एक सच्चे दोस्त हो, मेरी माँ का तुम ख्याल रखना। तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो, लेकिन मैं मुत्तु को बचा नहीं पाया। कातिल का चेहरा देखा था तुमने? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक उसे खत्म ना कर दूं। मेरी आंखों से एक भी आंसू तब तक नहीं टपकेगा जब तक उसकी जान ना ले लूं। हे भगवान, मुत्तु, मुत्तु, मदे, मदे। ये वक्त शोक मनाने का नहीं, हमें उस कातिल को ढूंढ निकालना होगा। दीदी, पूरे शहर को बंद कर दिया है, दोनों दोषी घायल हो चुके हैं, हम सारे हॉस्पिटल और लॉज में चेक कर रहे हैं। मुझे जिसने मारने की कोशिश की उसे मैंने कहीं देखा था, पुलिस रिकॉर्ड्स में सभी क्रिमिनल्स की फोटो देखनी है मुझे। अरे चिल्ला क्यों रहा है? अरे ऐसा नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अरे क्या है, तो पड़ेगा ना। हां, आगे सबके नाम सामने आने चाहिए, हर बार का यही है और क्या। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ, मेरी बेटी कैसी है? आप आकर देखिए, शक्ति इतने दिनों से उसका ख्याल रख रहा था। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। शक्ति, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो तुम जा सकती हो। ए, तुम सब भी जाओ यहां से। शक्ति, ऐसा मत कहे यार, मैंने तेरा साधना देखकर गलत किया, मुझे माफ कर दे यार। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुत्तु ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया, उन्होंने मेरे सामने मुत्तु को मार दिया, मुझे उसकी मौत का बदला लेना है। हाँ बोलो मलार। हमें कमीने के पास जाना होगा। माजी, आपने किसी बच्ची को देखा है क्या? नहीं देखा। उसके पापा आए थे, आपने नहीं देखा? कनमणि की माँ भी नहीं है।
पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ मत पूछो, हमें जल्द से जल्द यह जगह छोड़नी होगी। आपने कोई गलत काम किया ना? बेटा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आप पर भरोसा किया था, आपने प्रॉमिस तोड़ा। चेन्नई जा रहा हूँ, दो दिन में पैसे लेकर आऊंगा। महिलाओं से निवेदन है कि वो अपना अपना सेवर संभाल कर रखें। आप कुछ सोनू को जानते हो? हम हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं। उसके पापा आए थे, आपने नहीं देखा? कन्हैया से कहा जा सकती है शक्ति? शक्ति, अगर हमने उसे ढूंढकर उसका इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगी। कनमनी के टेस्ट रिजल्ट्स भी आ गए हैं शक्ति। कनमनी को भी अरिबो की माँ की तरह ही वायरल इन्फेक्शन हुआ है। शक्ति, कनमनी का इलाज दो दिनों में शुरू करवाना ही पड़ेगा, हमें उसे बचाना ही होगा। शक्ति देखो, मेरी तरफ देखो, कनमनी को कुछ नहीं होगा, उसको ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। शक्ति, अभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी कनमनी का इलाज करवाना है। ये रॉकेट समूह गैंग का मेंबर है, पुराना हत्यारा है। इसकी फैमिली है? फैमिली में सिर्फ बीवी और एक बच्ची है। यहाँ आओ। क्या तुमने इसे देखा है? नहीं देखा। दुराई, इसकी फोटो को पूरे शहर में फैला दो। दो दिन में मुत्तू का बर्थडे है, उससे पहले ये आदमी और इसके साथ जितने लोग थे उन सबको मारना होगा, खासकर इसकी बेटी को। माँ जी, पर उसकी बेटी की क्या गलती है, उसको क्यों मारेंगे? मैंने अपना बेटा खोया है, उसे भी वही दुख सहना पड़ेगा। सर्जरी का टाइम। अरे एक मिनट रुको। अधि, सोर्स से पता चला कि तीन ग्रुप तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। डॉक्टर, मैं आज के बाद चल नहीं पाऊंगी ना, मेरे सुबह उठने से पहले वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए, तभी मैं मुत्तू का अंतिम संस्कार करूंगी। बोल। करना की सच्चाई सबको पता चल चुकी है, दादी मदी और पुलिस सब लोगों से ढूंढ रहे हैं। उसे खत्म कर दो सेतु। हमें उसकी मदद चाहिए होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, शक्ति दीदी के साथ ही है, वो गुस्से में है और तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। शक्ति को मारना मेरा काम है, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ए निकम्मे। हाँ पापा। दिन भर लड़कियों के साथ टाइम पास करता रहता है, हैं? मातम मनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे खत्म करना है। जा, कार स्टार्ट कर। जी पापा। आपकी सेफ्टी के लिए गन है ना? पता नहीं कहां रख दिए मैंने। मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। पुलिस रिकॉर्ड से पूरी डिटेल निकाल ली है, कब तक भागोगे? वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेंगे, उन्होंने तुम्हारी बच्ची और बीवी को मारने का फैसला किया है। पर ये तो बेकसूर है। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर रहम नहीं करता, अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? कुछ भी करके गांधी मती को मारना ही होगा, तुम ये काम कर सकते हो? इसके बारे में किसी को बताना चले। पर करुणा ने जो किया गलत है, उसे उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था।
वो लोग उसे मार डालेंगे। कर्मणि, कर्मणि को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे गांधीमती आ जाए या भगवान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट हूं, सेतु से जेल में मिला था मैं। बस थोड़ा सा बुखार है, मेडिसिन दे दिया मैंने, सुबह तक आराम मिल जाएगा। पहले शक्ति को मारना होगा। सेतु, लगता है तुम पर शक्ति का जुनून सवार हो गया है। छह चाय और साथ में सिगरेट भी। आज मुहर्रम है भाई, मैं कुछ नहीं लूंगा। कनमणि को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भाई, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हम क्या कर सकते हैं? कहां जा रहा है भाई? अरे सुनना, कहां जा रहा है? सुन भाई, we'll be right back.
मामले में पढ़ने से मना किया था ना, तेरी वजह से दीदी की ऐसी हालत हुई, इन सब की वजह तू ही है। कलई की जान को अब खतरा नहीं है, डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया, पर उसका शरीर पूरी तरह से जल गया है। उसने हजारों लोगों को खाना खिलाया और अभी मेरी वजह से। देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बहन चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसके लिए अगर शक्ति खुद को जिम्मेदार ठहरा है तो उसे कहना ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में शक्ति के लिए जरा भी गुस्सा नहीं है, ऐसा कहने के लिए कहा था कलई ने मुझे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। बदला लेना हमारा काम है, उम्मीद है तुम समझ गए होगे। शांत होकर सोचो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। पापा, आपने गलत काम किया ना, आपने जो भी गलत किया है वो दोबारा मत करना। मम्मी आप और मैं कहीं दूर चले जाएंगे। बेटा ये मुमकिन नहीं है। आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मुझे कुछ तो होने वाला है, फिर आप अकेले ही रह जाओगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। मेरी बात सुन, अगर अचानक हम पर कोई हमला कर दे तो तू क्या करेगा? मैं भी उनसे लड़ूंगा पापा, फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी लोग हों। औरतों की नहीं मर्दों की बात कर रहा हूं पापा। बकर बकर करता है बेवकूफ, बड़ा है उनसे लड़ने वाला, डर के मारे पैंट गिली कर देगा। हेलो भाई, मदुरई के सारे लॉजेज में ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं चला उनका, क्या करें हम? एक काम ठीक से नहीं होता, हर हाल में उन्हें पकड़ना होगा। कैसे पकड़ना है वो तुम देखो बेवकूफ। ये बताओ तुम्हें तो यहाँ के कुछ इनफेमस लॉजेस के बारे में पता होगा ना? गाड़ी रोकिए पापा, मुझे उतरना है अभी। अरियो, मुझे एक गन चाहिए। क्या बोला तूने, फिर से बोल तो। अगर ये गन देगा तो तू क्या करेगा ये बता। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही किसी को भी शूट कर दोगे क्या? मधि तुम टेंशन मत लो, आराम करो, मदुरई के हर गली कोने में मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा। मैंने करना का फोटो हर जगह लगवा दिया है, उसे जल्दी पकड़ लेंगे। कौन था वो जिसने कॉल किया? मुझे वो सही आदमी नहीं लगा। पापा वो गन क्यों मांग रहा था?
पापा ऐसे ही मांग रहा था वो। फोन दे अपना। पर क्यों पापा? फोन देना। बेवकूफ नालायक। उसे गन क्यों चाहिए थी? वो कोई कोड वर्ड है क्या? हाँ पापा। और इसका मतलब क्या है? लड़की पापा। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम एक सच्चे दोस्त हो। कातिल के बारे में कुछ पता चला? मत्तू का कातिल और कलई को चलाने वाला एक ही आदमी है। मैंने उसकी आंखों में खून की प्यास देखी। वो तो आर्यू है भाई, ये बात दीदी को बता दे। दीदी उस पर बहुत भरोसा करती है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। करुणा को हमने मदुरई के चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाया। आर्यू ने ही उसे कहीं पर छुपा रखा होगा। हाईवे में उसका एक फार्म हाउस है। रिस्क है, वहां गाड़ियां दिन भर चलती रहती हैं। अरे हाँ यार, उनका एक प्रिंटिंग प्रेस भी है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है। 15 साल हो गए उसे बंद हुए। वहां मेरे पापा काम करते थे, उसे चलाने वाला कोई नहीं था इसलिए वो बंद हुआ। प्रॉमिस किया था दवाई दोगे भाई। मैं चल भी नहीं सकता, मैं कुछ दवा लिख के देता हूँ, वो तुम्हें विमला मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा। मेरा नाम बोल देना, वो लोग दे देंगे। करुणा भैया, मारो मारो, जाओ जाओ वहां से, जाओ मारो, छोड़ दो नहीं, मारो मारो। क्या हुआ यार? लगता
है करुणा पकड़ा गया है अरसारड़ी मार्केट में। खत्म, सब खत्म हो गया। अब उसे वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे खत्म मत करो, ये जिंदा रहेगा तभी अपने साथियों के बारे में बताएगा। पकड़ के दिखाओ इसे। ए, पकड़ो इसे। धोखेबाज, दीदी तुम पे बहुत भरोसा करती है। तेरी उल्टी गिनती शुरू, तू अब बच नहीं सकता। बोल भाई, कमीना करुणा भाग गया। अरे छी, आज के बाद अपने आप को गुंडा मत कह देना, मेरे सामने मत आना। ये सब शक्ति की वजह से हुआ, वो उसे अपने साथ भागा के ले गया। क्या कहा? शक्ति ले गया? वो लोग कलवासल की ओर गए हैं, हमारे आदमी उनके पीछे गए हैं। तू चुप कर बेवकूफ, तुम लोग किसी काम के नहीं। ये बता किस तरफ गए वो लोग? कलवासल की ओर। वजह से परेशानी हो रही है ना, मेरे पापा को डाउट होने लगा है। टेंशन मत लो भाई, मैंने जो बोला था उस गन का क्या हुआ? उनके आदमी मदुरई में हमें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, ऐसे में गन खरीदना रिस्की है, वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, गांधी मदी को खत्म करना होगा तभी सब कुछ खत्म होगा। ये बाहर से लॉक है ना? सेतु,
अरे क्या ये? पीछे की तरफ से क्या एग्जिट है ना? बेटा बोलने में शर्म आ रही मुझे, तू खूनी है। हाँ आप तो बहुत अच्छे पापा है ना। ए, कहाँ हो तुम लोग? प्रेस में आओ जल्दी। क्या मतलब कौन सी प्रेस? काल वसल वाली हमारी प्रेस। बेवकूफ, जल्दी आओ यहाँ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, अभी वो लोग यहाँ आ जाएंगे। अरे क्या कर रहा है? Thank you.
बेटी क्या करूं? हाँ दीदी बोलो। आ जाइयो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शक्ति पर भरोसा करना मेरी गलती थी। उसके और करुणा के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। तुम्हारे पापा को उनके प्रेस में ही किसी ने मार दिया है। हे भगवान, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक हम बदला ना ले लें। मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर रहो, घर वापस आओ। शक्ति को तुमने क्यों मारा? वो मेरे लिए भाई जैसा था। जब सारी दुनिया मुझे क्रिमिनल समझती थी, तब मेरी बीवी और बेटी के बाद सिर्फ वही था जो मुझे अपना समझता था। मुझे लगा गांधी मती का आदमी है। भगवान, तुम शक्ति को कैसे जानते हो? सेतु, मैं इसे मारना चाहता था। तुम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हाँ दीदी बोलिए, हम रास्ते में ही हैं। फोन को स्पीकर पर रखो। स्पीकर पे ही है। ए शक्ति, धोखेबाज। वो बोलने की हालत में नहीं है, 10 मिनट में ही मर जाएगा। उसे मरने मत देना। मुत्तू के गुजरने के बाद जो दुख मैंने सहा है, वो उसे भी पता चले। क्या ये और वो लड़की विनीता दोनों मिलकर करुणा को बचाना चाहते थे? उन दोनों को ही खत्म कर दो। उसे छूने की हिम्मत मत करना। अब से 10 मिनट के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगी। बचा सकते हो तो बचा लो। आ जाओ
शक्ति, शक्ति क्या हुआ शक्ति? तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है, पहले भी वो तुम्हारी माँ के लिए ऐसे ही लड़े थे। अगर हम जिनसे प्यार करते हैं वो कोई गलती करे तो सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? मुझे पता चल गया कि शक्ति आपको क्यों मारना चाहता था दीदी। 25 साल पहले आपने उतंगड़ी में एक बस जला दिया था, उसमें शक्ति के माँ बाप दोनों जल के मर गए। वो उसी का बदला लेना चाहता था, 20 सालों से लगातार कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उसने मुत्तू के साथ दोस्ती की और हॉस्पिटल में करुणा का भी दोस्त बन गया। मुत्तू के साथ दोस्ती का नाटक करके आप दोनों को मारने का प्लान बना रहा था। कलई, पता है कली को क्यों जिंदा जलाया? करुणा को छोड़ के शक्ति के साथ दो और लोग भी थे। आप उनके मर्डर प्लान के बीच में आई तो वो गुस्सा हो गए आपसे और आपसे रिश्ता बिगड़ने लगा उनका। वो लोग शक्ति को पैसे के लिए धमकाने लगे, जब उसने मना कर दिया तो उसकी बहन कलई को जला दिया। वो लोग शक्ति को भी मारना चाहते थे प्रेस में, जब मेरे पापा का खून किया था। छह बच गए मुझसे, मैं सिर्फ करुणा को मार पाया, लेकिन वो दोनों कातिल वहां से भाग गए। मैं कठपुतली नहीं हूं दीदी, मुझे बस कुछ लोग दीजिए, मैं शक्ति को लाकर आपके पैरों के नीचे रख दूंगा। जब तक शक्ति मर नहीं जाता अपने पापा का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा मैं। तुम्हें जितने लोग चाहिए ले लो। दीदी आपने सिखाया था कि दुश्मनों पर कभी तरस नहीं खाते। तो अब सब कुछ मेरे हाथों में है, वह बच्ची एकमात्र सबूत बची हुई है, खत्म कर दो उसे। मेरे पापा कहाँ हैं? वो पास में ही कहीं गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। कनमणि को हमें कुछ भी करके बचाना होगा, उस बच्ची को छीना ही होगा। तुम्हारे पास एक घंटे का टाइम है, उसे यहां आना पड़ेगा वरना मैं स्विच ऑफ कर दूंगा। मिनट इतने सालों से मैं दीदी को मारना चाहता था। तुम्हारे आदमियों के पास कनमणि है, मुझे कनमणि वापस चाहिए। कंफ्यूज्ड हो? जो लोग मुझे मारने आए थे कनमणि उनके पास है, फोन करो उन्हें। फोन करो उनको। कुछ करने की मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है बच के चले जाओगे? ये तो मेरा प्लान था कि तुम्हें और इस बच्ची को दीदी के सामने मार सकूं। अगर कनमणि को कुछ हुआ ना तो सबको काट डालूंगा। Help!
लेकर आई हूँ। क्या ये हमारा ही आदमी है? पर मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ दीदी, ये हमारा आदमी है। तुम दुराई के आदमी हो ना? मुरुगेशन हो ना तुम? हाँ हाँ दीदी। अरायो, आज से तुम मुत्तू की जगह लोगे। इन दोनों को खत्म कर दो। तुम हंस क्यों रहे हो? एक कठपुतली की कहानी याद आ गई मुझे। तू हमेशा से कठपुतली है। तुमने ऐसा कैसे कहा? मैंने उन सबको मार डाला जो मुझे कठपुतली बोलते थे। मुत्थु, मेरे पापा और अब तुम, और उसके बाद गांधी मती को। मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं लेकिन बुद्धि से बहुत तेज हूं। मैं मुझे पता है आप मेरी किसी बात का भरोसा नहीं करेंगी, पर मुझे साबित करना है। मुत्थू का कातिल और कलई को चलाने वाला एक ही आदमी है। मैंने उसकी आंखों में खून की प्यास देखी। यह हमारा आदमी है? हाँ दीदी। इसे संभालूंगा, आप गांधी मोदी को खत्म करो। मुझे बस एक मिनट लगेगा। सेतु, मुझे उसे खत्म करने दो। जाओ। Thank you.
चलो जाओ। मैंने बोला ना उधर जाओ। चलाई थी उसमें मैंने अपने मां पापा को खो दिया। उस दिन से मुझे आप पर गुस्सा था, पर मुत्तू की दोस्ती में मैं सब भूल गया था। सारी नाराजगी दूर हो गई थी। आप वो गांधी मदी नहीं हो जिसने मेरे मां पापा को मारा था। तब से आप मेरे लिए दोस्त की मां हो। खून तो कोई भी कर सकता है, पर जो माफ करता है वो इंसान है।